बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सिंपल डेटा एंट्री वर्ड के अंदर हम करते हैं अगर, तो उसको टेबल में आफ्टर डेटा एंट्री कन्वर्ट किस तरह से करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, या आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। देखिए, हम ये सीरियल नेम अगर हमने टैब से या स्पेस से कोई टाइपिंग का काम किया हुआ, उसको भर टाइपिंग करने के बाद कन्वर्ट करना है हमें टेबल में, एक अच्छे से टेबल में डिजाइन करना है डाटा को, तो वो आफ्टर डेटा एंट्री कैसे होगा ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। अब देखें, इसको हमने इस तरह से ये चेंज करके कन्वर्ट किया हुआ है, तो ये किस तरह से कर सकते हैं हम यहाँ पर इस डाटा के अंदर वर्ड में, ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिल रहा है। तो देखें, हम यहाँ पर हम कोई भी टाइपिंग का काम करेंगे अगर स्पेसिस या टैब के साथ हमने उसको यूज किया हुआ है, तो आप सिंपली उसको कन्वर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ टेबल के ऑप्शन में जाएंगे। अभी सिलेक्ट है तो ये टेबल जो हम बनाते हैं ये अभी हाइड है, इसी में नीचे इंसर्ट टेबल मिलता है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये डाटा आपका ऑटोमेटिकली जो होगा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही टेबल में कन्वर्ट होगा उसके बाद मजीद चीज़ें फॉर्मेटिंग वगैरह अलाइनमेंट्स वगैरह यहाँ से सिलेक्ट करके आप अपनी लेआउट अलाइनमेंट सेट कर लें। उसके अलावा जो टेबल के अंदर डिजाइनिंग वगैरह करनी है वो आप यहाँ पे टेबल डिजाइन के अंदर आ जाए, यहाँ से बने बनाए कलर एंड स्टाइल वगैरह वो आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है जी। और यहाँ से हेडिंग्स हैं तो हेडिंग्स को अलाइन मिड में सेंटर करना है, लेआउट में मिड में सेंटर। और यहाँ से फॉन्ट्स के अंदर जो भी काम करना है यहाँ से आप राइटिंग वगैरह अपनी चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं जो भी है, ठीक है जी। टोटल कैपिटल करना है, यहाँ से अपर केस कर लें इस तरह से। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद लास्ट रो में आकर जब आप टैब यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो होगा आपकी रॉ इंसर्ट करके काम कंटिन्यू हो जाएगा, और जितना भी आपने काम किया हुआ होगा टाइपिंग का उसको इसी तरीके से आप कन्वर्ट टेबल कर सकते हैं जो तरीका मैंने बताया। उसके बाद जैसे ही आप डेटा एंट्री कंटिन्यू करते रहेंगे आपकी ऑटोमेटिक जो होंगी वो रॉ इंसर्ट होती रहेंगी। और मजीद इसकी डिटेल वीडियो मैंने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी हुई है, इसके जो मेन्यूज वगैरह है कंप्लीट मैंने इसको डिस्कस किए हुए हैं सारे। जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं और मजीद चीज़ें वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वो मेरे शाह इस्लाम यूट्यूब पर जाके टेबल के और मजीद ऑप्शन डिटेल से सारे देख सकते हैं। तो प्ले लिस्ट में आपको वर्ड की सीरीज के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे इस सीरीज में जाके वर्ड के अंदर ऑप्शन देख सकते हैं। कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो नई इसमें अभी अपलोड नहीं है, वो वीडियोज़ के टैब में आपको रिसेंटली ऊपर जो आ रही हैं यहाँ पे मिल जाती हैं, अभी प्ले लिस्ट में अपडेट नहीं है। वर्ड एडवांस एक्सेल बिगिनर जो है इंटरमीडिएट एडवांस सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को सीखने को मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़।